रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा, कौन कहा कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहा कौन कहा कौन कहा कौन कहा। नया घर नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। शायद उनके सामने इस घर को छोड़कर जाने का मैं सोच भी नहीं सकती, उनका प्यार मुझे रोक लेगा। बहुत उम्मीद थी उर्वशी से कि शायद वो तुम्हें रास्ते पर ले आए, लेकिन तुम्हारे जैसे खोखले आदर्शों में जीने वाले पागल इंसान से आखिरकार उसने भी अपना पल्लू झाड़ी। तू भी और कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करना मत भूलना। ये आपका 50 लाख माल, ये आपकी फ्लैट की चाबी। मुबारक हो मुबारक हो। तरानी साहब, सारी बातें तय हो गई और मेरे ख्याल में जो डेट्स जो हैं वो म्यूचुअली डिस्कस कर लेंगे, अब हम चलते हैं। चलो। अरे कहाँ जा रहे हैं, अब बैठो ना। अरे कुछ मीठा खा के जाइए, ठंडा पानी पी के जाइए, चाय कॉफी मंगा। हमारे इधर का ना पापर बड़ा मशहूर है। एक मिनट लच्छू, अरे 2-4 प्लेट पापर लेके आओ, आप पापर खा के जरूर जाना। तरानी साहब, हमारी मैडम जो है वो बाहर का पानी तक नहीं पीती और मैं रात को सोने से पहले कड़वी दवाई जरूर पीता हूँ। कोई बात नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। हमारे यहाँ पे ना पापर के साथ विस्की फ्री है। पार्टी में जरूर आपसे वसूलूंगा। हम चलें? हाँ क्यों नहीं, चलो। ओके, अच्छा ओके मैडम। नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू। वानी, क्या हीरोइन साइन किया है, मेरी वाइफ को तो बताना चाहिए ना। अरे फोन उठाओ लाचो। अरे मैंने उर्वशी को साइन कर लिया है। हैं? हाँ, एक मिनट, मोबाइल का फोन बजता है, तुम रखो। हेलो कनक भाई, अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस खोल के बैठो। हाँ मैंने साइन कर लिया हीरोइन को। आपको भी मुबारक हो। खुशी का दिन है आज मेरा। भावना मैम साहब, भावना मैम साहब, साहब आ गए। मॉम, डैड, सरप्राइज। आप लोग एक हफ्ते का कहकर गए थे और 4 दिन में वापस। एवरीथिंग इज ओके ना डैड? और आप लोगों ने आने का फोन भी नहीं किया। दरअसल वो कलकत्ता वाली डील कैंसिल हो गई, पार्टी फ्रॉड निकली, समय रहते हुए पता चल गया। बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत अपसेट हो गया था। फिर श्रीमाली साहब का फोन आया कि वो अपने चार्टर प्लेन से मुंबई आ रहे हैं। उन्होंने कहा चलो, तो मैं उनके साथ चला है। जब आना ही था तो फिर फोन क्या करना। और फिर मैंने सोचा कि यहां आकर तुम्हें और उर्वशी को सरप्राइज देंगे। कहां है उर्वशी? वो डैडी, वो घर छोड़कर जा चुकी है। क्या पुण्य का लेखा जो। उर्वशी ने घर छोड़ दिया? जी। भावना, ये उर्वशी ने घर क्यों छोड़ दिया? हमारा उससे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना?
डैडी, उससे भी कभी किसी की लड़ाई हो सकती है क्या? बस वो अब हमें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती इसीलिए, और दिन ब दिन उसका काम भी बढ़ रहा है। और आप तो जानते ही हो, फिल्मी लोगों का बेरोक टोक आना जाना, मीटिंग्स सीटिंग्स, बस शायद इसीलिए वो शिफ्ट कर गई। अरे हमारे आने का इंतजार तो कर लेती, बिना हमसे पूछे बिना बताए चली गई। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो घर छोड़कर चली गई? मम्मी वो कह रही थी कि अभी अंकल आंटी नहीं है तो मैं जा भी सकती हूँ, लेकिन उन लोगों के आने से उनके सामने जाना या उनसे इजाज़त लेना मेरे बस की बात नहीं है। और अंकल का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। एहसान? किस बात का एहसान? मैंने उसमें और तुम में कभी कोई फर्क नहीं समझा। और वैसे भी अगर बाप बेटियों के लिए कुछ करता है तो उसमें एहसान कैसा? एक पल में सारे रिश्ते खत्म करके मेरे दिल को तोड़ के चले गए। अरे आप क्यों अपना दिल दुखाते हैं, ये फिल्मी दुनिया है ही ऐसी। अरे जिस फिल्म लाइन के लिए उसने पल भर में अपने माँ बाप को छोड़ दिया तो हम कौन से उसके सगे हैं। अरे चार दिन हमारे साथ रह के हमें माया मोह में जकड़ लिया और चली गई अचानक हमें छोड़कर, हमारी आंखों में आंसू भरकर। मॉम आप बात को समझो, फिल्म लाइन में फ्रीडम बहुत जरूरी है, शायद यही रीजन है। अरे काहे का फ्रीडम, अकेली जवान लड़की फिल्मी माहौल में रहे ये गलत है, ये फैसला अच्छी लड़कियों का नहीं है। आप लोग भी ना तिल का तार बना देते हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे मुंबई में तो ये फैशन है, जवान होते ही अमीर घर के लड़के लड़कियां पर्सनल फ्लैट ले लेते हैं। आज की जिंदगी का लाइफस्टाइल ही ऐसी है, ना हमें कोई डिस्टर्ब करे और ना हम किसी को डिस्टर्ब करे, तभी तो प्रोग्रेस होती है मॉम। ठीक है, तू भी एक दिन किसी फ्लैट में शिफ्ट हो जाना, छोड़ देना हमें। डैडी आपने मुझे जो प्यार दिया है, जो विश्वास दिया है, जो फ्रीडम दिया है, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे कोई कुछ भी दे दे, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती और ना तो जाने वाली हूँ। हाँ मैं आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल हूँ। आई लव यू मॉम। अभी आप लोग जाओ और आराम करो। चलिए वेलकम। वीरू जी ये घर मेरे लिए है, इतना बड़ा। हाँ, and this is for you. और ये घोड़े का घास। घोड़े का घास क्या मतलब? आपने मशहूर कहावत तो सुनी होगी कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। ये मेरा घास और मैं इसका घोड़ा, जिसे वीरू छोड़ता नहीं। अपनी मेहनत की कमाई को वैसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये सब तो आपके अनुभव और आपकी मेहनत का नतीजा है। I hope you like the house. Yes, it's very beautiful. आप घर का जायजा लीजिए और ऐसी घटियां तो ट्रक भर कर आएंगी। मैडम मैं चलता हूँ। ठीक है bye. You're great. Thanks. ये है मेरी कमाई का फ्लैट और लाखों रुपए, अब नोट से भरे ट्रक आएंगे ट्रक। क्या आदमी है वीरू जी, बड़े जादूगर बड़े खिलाड़ी, लेकिन तनवानी थोड़ा खड़ूस है, पर हीरे का व्यापारी है। करोड़ रुपया यूं दे दिया जैसे कुछ हो ही नहीं। पापा आज तक कितना कमा पाए हैं और मुझे देखो, मैंने कभी खुद की कदर की ही नहीं। डर के दब के रहती थी सबसे, पर अब मैं आजाद हूं। वीरू जी ठीक कहते हैं, उर्वशी आप तो उड़िए आकाश में, और मैं उड़ रही हूं, और मैं उड़ रही हूं। नारायण नारायण, आप धन्य है चित्रगुप्त जी, आपकी दृश्यवलोकन में मैंने बिना आपके दर्शाए बिना आपके व्याख्या किए ही ये समझ लिया है
कि मायावी बाप का प्रवेश हो चुका है। ये सत्य है कि जब प्राणी को दिव्य शक्तियां यश लाभ देती हैं, तो अचानक उसमें महतत्व अर्थात अहम आ जाता है। प्राणी उर्वशी भी देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी द्वारा दिए यश लाभ का श्रेय स्वयं ले रही। नारायण नारायण, क्षमा करें प्रभु, वास्तव में श्रेय तो प्राणी उर्वशी को ही जाता है। 3 जन्मों की तपस्या और 4th जन्म की परीक्षा उसी ने उत्तीर्ण कर लाभ व यश का पुरस्कार पाया है। इसमें श्रेय तो अहम की संज्ञा को ही दी जा रही। आपका क्या कहना है चित्रगुप्त? हे मेरे चंद्रगुप्त, मेरे प्रभु, आपके महतत्व अर्थात अहम अहंकार तो सृष्टि का एक तत्व है। अहम अहंकार हर प्राणी में आपके द्वारा स्थापित हुआ है, जिसकी सीमाएं निश्चित है। पर जिस तरह पृथ्वी लोक पर अन्य 4 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी अपनी सीमा रेखा में है, सृष्टि का संचालन चलता रहेगा। जब ये सीमा रेखाएं पार करेंगे तो प्रलय आ जाएगा। ठीक इसी तरह अहंकार की कोख से जन्मा पाप अपनी सीमा रेखा पार करने की चेष्टा कर रहा है। जो अब माया भी है, राक्षसी प्रवृत्तियों का स्वामी है, और जब ये मायावी पाप पवित्र आत्मा में अहम का रूप धर मायावी षड्यंत्र के द्वारा प्राणी में प्रवेश करता है, तो इसे श्रेय का नाम नहीं दिया जा सकता। प्राणी उर्वशी को इस यश लाभ व दिव्य शक्तियों का कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि कोई प्राणी ब्रह्मांड की महादिव्य शक्तियों से ऊंचा नहीं। नारायण नारायण, आपका अभिप्राय तर्क संगत है चित्रगुप्त जी। अब मायावी पाप कैसे इस प्राणी उर्वशी को अपने बस में करता है, यह देखना है। हाँ, ये दृश्यावलोकन निश्चित ही रोचक है, क्योंकि ये वो स्थिति है जिसे ना ब्रह्मांड जानता है, ना तीनों लोक की दिव्य शक्तियां, ना मैं और ना स्वयं सृष्टि के रचयिता आप, क्योंकि मानव के कर्मों का गणित ही उसका भाग्य बताता है। अब उर्वशी इस मायावी पाप से हारती है या उसे हरा देती है, ये तो अब आगे ही ज्ञात होगा। चित्रगुप्त, हम भी कर्मों का जोड़ घटाना गुणा भाग का खेल देखना चाहेंगे। आप कौन? मेम साहब नमस्ते, मैं शांता भाई, वीरू जी ने भेजा है मुझे। आइए। हाँ तो कहिए शांता भाई। मैं घर का सब काम जानती हूँ और पहले मैं शिरजी के यहाँ काम करती थी। अच्छा ठीक है, आप सबसे पहले किचन संभाल लीजिए, मैं आपको थोड़े पैसे देती हूँ, आप मार्केट जाकर जरूरी सामान ले आना और 1 कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना देना, ठीक है? चलिए मैं आपको किचन दिखाती हूँ। भैया देखो दीदी कितनी सुंदर लग रही है और इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे कपड़े क्यों पहनती है दीदी? सलवार कमीज भी तो पहन सकती है ना। भैया हीरोइन लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तभी तो लोग उनको देखते हैं। और पता है मेरे स्कूल में मेरा इतना भाव बढ़ गया कि पूछो ही मत, मेरी सारी फ्रेंड्स दीदी की दीवानी हो चुकी है, उन सबको दीदी का ऑटोग्राफ चाहिए। और एक फ्रेंड आकर पूछती है कि इस साल तो वेकेशन में तुम मुंबई ही जाओगी, है ना? पता है उन लोगों ने तो ऑटोग्राफ डायरी भी खरीद लिए मुंबई से दीदी का ऑटोग्राफ मंगवाने के लिए। लेकिन भैया अब उन लोगों को कैसे बताएं कि दीदी का और हमारा कोई रिश्ता नहीं है? घर की बातें बाहर वालों से क्यों डिस्कस करें? कुछ भी हो भैया, पापा ने दीदी के साथ बहुत गलत किया है। नहीं अर्चना, पापा ने शायद ठीक ही किया है। भैया
हाँ, दीदी की उल्टी सीधे कपड़े पहने तस्वीरें छपती है और मेरे फ्रेंड्स उन्हें देखते हैं, कौन भाई ये बर्दाश्त करेगा? भैया अब आप भी ना पापा की भाषा में बात करने लगे हो। नहीं, मैं एक भाई की भाषा में बात कर रहा हूँ। तुम अभी छोटी हो, बाप और भाई के मानसिक केंद्र को तुम नहीं समझ सकते। लाओ दो ये मैगजीन, कहीं पापा ने इन्हें देख लिया तो उन्हें और दुख होगा। गुड मॉर्निंग उर्वशी जी। गुड मॉर्निंग वीरू जी। आज शूटिंग कितने बजे है? मैडम हमने केके को डेट्स दी हैं, 2 बजे से उनके शिफ्ट है। और दरअसल इस घर में आपकी सारी जरूरतों का इंतजाम मैंने कर दिया है, कुछ और चाहिए आपको? नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। उर्वशी जी एक बड़े प्रोड्यूसर का ऑफर है। ओह दैट्स लवली, फिर तो हम स्टोरी सुन लेते हैं और डायरेक्टर से भी मीटिंग कर लेते हैं। कमाल कर दिया आप। अरे छोड़िए स्टोरी और डायरेक्टर को, उर्वशी जी आज की तारीख में बड़े से बड़ा डायरेक्टर भी फर्स्ट वीक में थिएटर में कौवे उड़ते हैं। और दरअसल इन बातों पर आप ध्यान मत दीजिएगा, आप सिर्फ पैसों पर ध्यान दीजिए। स्ट्रैटेजिकली हमें 10 बिग बजट फिल्मों को साइन करना है, और अगर 9 फिल्में भी फ्लॉप होती हैं और अगर एक फिल्म हिट होती है तो 5 साल के लिए नो प्रॉब्लम। और यही तो खेल है, और ऑडियंस का तो कोई भरोसा नहीं, क्या पता उन्हें क्या चीजें अच्छी लगी और क्या चीजें नहीं। दरअसल मैं तो सिर्फ आरसी अंकल की सलाह पर। उर्वशी जी मिस्टर श्रीवास्तव का काम है अखबार निकालना और हम दोनों का काम है शिखर पर पहुंचना, यानी टॉप पर। भूल जाइए बीती हुई बातों को। कमाल है वीरू जी, आप हमेशा पते की बात करते हैं। ठीक है तो चलिए, मैं आपको ठीक 2 बजे केके सर के सेट पर मिलती हूँ। ठीक है, मैं आपको वहीं मिलूंगा। या, I'll leave you to the door. चलो ये मैं लेती हूँ। डैडी गर्मा गर्म पराठे। उर्वशी। जी अंकल। अरे कितनी बड़ी हो गई हो तुम। हाँ मेरी फिल्म में हीरोइन बनोगी? क्या फिल्म की हीरोइन? क्या बात है बेटा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? सच अंकल, जीवन में मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि कल एग्जाम हो और आज किताबें पढ़ना तो दूर, उन्हें देखने का भी मन नहीं कर रहा। लेकिन तो फिक्र मत करो बेटी, तुम्हारी हिम्मत और ताकत इस बात को साबित कर देगी कि तुम्हारा लिया हुआ फैसला बिल्कुल सही है। कहाँ है उर्वशी? वो डैडी वो घर छोड़कर जा चुकी है। चलो आप बैग लेकर आ जाओ। डैडी डैडी आपको दे ही दूं? डैडी डैडी क्या सोच रहे हैं? ओफो अभी तक कुछ खाए ही नहीं है। उर्वशी के बिना घर कितना सोना सोना सा लग रहा है। उर्वशी आ गई थी तो कितनी रौनक आ गई थी इस घर में। अब देखो ना, 2 दिन हो गए उसे जाके, लेकिन उसने एक फोन भी नहीं किया। डैड उसे क्या मालूम कि आप लोग 3 दिन पहले आ गए होंगे, और फिर नया फ्लैट है, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। और आप जानते ही हो कि वो किसी की हेल्प नहीं लेना चाहती। अरे भावना एक काम करते हैं, हम सब मिलकर उसे सरप्राइज देते हैं, मुझे भी इसकी बहुत याद आ रही है। यस गुड आइडिया, क्यों डैड? हाँ ठीक है, चलते हैं उसका नया मकान देखने। तो मैं फोन लगाती हूँ। हेलो ये उर्वशी का मोबाइल है ना? जी मैं भावना, आरसी श्रीवास्तव की बेटी, उर्वशी से बात करिए प्लीज। ओके क्या हुआ? उसके सेक्रेटरी वीरू जी थे, कह रहे थे कि वो लद्दाख गई हुई है किसी कंपनी का ऐड करने, ब्रांड एम्बेसडर बन गई है वो, 3-4 दिन में लौटेगी। ओ मतलब स्टार हो गई है, ब्रांड एम्बेसडर, वाह क्या किस्मत पाई है लड़की ने। ठीक है 3-4 दिन के बाद ही से।
हर इंसान का अक्स वहां पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहां कौन कहां कौन कहां कौन कहां।